सुपर मॉम 2022 की विनर, उनका नाम है वर्षा बुमरा। मैं चाहूंगा कि रेमो सर वर्षा को ये मुझे डीएडी सुपर मॉम सीजन 3 का विनर बनके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं डीएडी सुपर मॉम सीजन 3 की विनर बनूंगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद मैं ऑडिशन से बाहर हो जाऊंगी, क्योंकि मतलब शायद इनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो अभी यहाँ पे आने के बाद, अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद वर्तिका मैम से मिलने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ आगे। तो अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं डीएडी सुपर मॉम सीजन 3 की विनर हूँ और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारे जी टीवी की तरफ से और सुपर मॉम को और तीनों जजेस को और हमारे स्निप सर और वर्तिका मैम की वजह से और सौम्या मैम की वजह से। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। शो में जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही खूबसूरत थी। अभी मैं 24 साल की हूँ, तो 24 साल में से जो ये 3 महीने निकले हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत सुंदर थे, बहुत ही मतलब ऐसे मोमेंट थे जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार जो हमें शायद नहीं मिला अभी तक, वो यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो वो खुशी के पल जो थे वो यहाँ पे मिले, वो कहीं नहीं मिले आज तक। तो यहाँ की जर्नी के बारे में मतलब साथ दिया जो तीनों जजेस थे हमारे साथ, सबसे बड़ा हाथ उनका रहा है, क्योंकि वो थे तो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी थी, और साथ में वर्तिका मैम, तो मतलब मैं बोलती हूँ वो मेरे भगवान है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी मेरे लिए जर्नी, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट 3 महीने थे ये। सबसे ज़्यादा मैं वर्तिका मैम को मिस करने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, और मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उनके साथ मेरे को डांस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया था तो उनकी वीडियो देख के ही स्टार्ट किया था, और अभी इस शो में आने के बाद उनके साथ मेरे को डांस करने का मौका मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वर्तिका मैम के साथ डांस करने का मुझे मौका मिला, परफॉर्म करने का मौका मिला, और दुखी भी हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी मैं DID सुपर मॉम के फिनाले के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, तो वर्तिका मैम को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने 3 महीने उनके साथ निकाले हैं, मैंने सोचा नहीं था कि उनके साथ मेरे को डांस करने का मौका मिलेगा, और जब मेरे को पहली बार पता लगा कि मेरे डांस गुरु जो होने वाले हैं वो वर्तिका मैम होने वाले हैं, तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं उनके साथ कैसे डांस करूंगी, कैसे उनको मैच करूंगी, और सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मेरे को कि उनके साथ मेरे को डांस करने का मौका मिल रहा है, और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा मोमेंट था इस 3 महीने की जर्नी में जो था, वो वर्तिका मैम के जो पैरों की छाप ली थी मैंने, वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए, और अभी जो फिनाले में मैंने समीप सर को स्टेज पे बुलाया, वो भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था। ये 2 मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट थे। अगर एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स मेरे फेवरेट हैं शाहिद कपूर सर, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि इस DID सुपर मॉम के मंच पे वो आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया और मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो मतलब मेरे फेवरेट हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं मेरे शाहिद कपूर सर। और कोरियोग्राफर्स में थे सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद जो है वो तो वर्तिका मैम है, लेकिन अगर उनसे थोड़ा सा अलग बात किया जाए उनको छोड़ के, तो रेमो सर जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनके साथ करना चाहूँगी डांस। जो इस शो से मेरे को प्राइज मनी मिली है और जो सम्मानित किया गया है मेरे को, तो उसमें मैं मतलब उसका यूज़ जो मैं मेरे बेटे के करियर और मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए करना चाहूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बेस्ट यूज़ इन पैसों का हो ही नहीं सकता, तो मैं जितना भी हो सकेगा मैं मेरे बेटे के लिए करना चाहूँगी इन पैसों से, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए।
अभी खास तरीका तो मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है, मैं उनसे काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ। तो वो सभी बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है इसका मुझे कुछ नहीं पता है, वो वहाँ पे जाके ही पता लगने वाला है। तो अभी और बाकी सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जनता के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी फिनाले में विनर हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ, अगर आप ना होते तो मैं नहीं होती। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं DID सुपर मॉम सीज़न 3 में विनर बन सकूँ। तो थैंक यू सो मच और बहुत सारा प्यार आपको मेरी तरफ से, थैंक यू।